यूपी के मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था को लेकर फिक्रमंद करने वाली कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई की कहानी बता रही है और दूसरे में गुंडों की बेपरवाही की झलक दिख रही है। कुछ तस्वीरें गौर से देखिए। पहली, महिला के हाथ में बंदूक। दूसरी तस्वीर, गाड़ी से एक माउजर जब्त करती पुलिस। तीसरी तस्वीर, गाड़ी के पिछले हिस्से से एक ओवर अंडर शॉटगन निकालती पुलिस। माजरा समझने से पहले ये जान लीजिए कि जिनकी गाड़ी से असलहा निकला है वो है कौन। नाम है बीना भारद्वाज। समाजवादी पार्टी की नेता हैं, विधायक रह चुकी हैं। फिलहाल कुर्सी तो नहीं है लेकिन दबदबा कायम है। कभी भी कहीं भी अपने समर्थकों और लाइसेंसी गैर लाइसेंसी बंदूकों के साथ पहुंचने का दमखम रखती है। यह तस्वीरें रामपुर की है। आरोप है कि जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई ये अपने तरीके से सुलझाना चाहती है। जो परिवार अब तक उस जमीन पर खेती करता आया था उसने आरोप लगाया है कि बीना भारद्वाज बंदूक के दम पर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। बीना भारद्वाज, रजनी और 15-20 लोग ये साथ थे इनके, असला लेके वहां पहुंचे और ट्रैक्टर ड्राइवरों को मारना पीटना शुरू कर दिया और फायर किए। और फिर हमने फोन किया पुलिस को, पुलिस और प्रशासन मौके पे पहुंचा, फिर भी उन्होंने हमारा कृषि कार्य नहीं होने दिया और हमें कब्जे से बाहर करना चाहते हैं। पुलिस ने बीना और उनके 15 साथियों को हिरासत में लिया था। 3 लाइसेंसी हथियार के साथ एक अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे। सरेआम धमकी देने और गोलीबारी करने का आरोप था लेकिन पुलिस ज्यादा देर तक उन्हें थाने में रख नहीं, शायद रसूख काम कर गया। बहरहाल यूपी की एक और तस्वीर आई है इलाहाबाद से। सीसीटीवी फुटेज है। एक बिल्डर के घर में हाथ में बंदूक थमे 5 लोग बेधड़क घुसते हैं और मारपीट करते हैं। इरादा फैजल नाम के एक बिल्डर के कत्ल का था लेकिन दफ्तर में नहीं होने की वजह से उनकी जान बच गई। गुंडों के दफ्तर से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें देखा तो पीछा किया लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। जाहिर इन दोनों तस्वीरों ने कानून व्यवस्था के मामले में यूपी की गिरती साख में एक अध्याय और जोड़ दिया है। क्या अखिलेश यादव देख रहे हैं?